बड़ी खबर रोहतास जिले से निकलकर आ रही है, जहां जिले के काराकाट और कोचस में हो रही मौतों से लोगों में अब दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल रोहतास जिले में इन दिनों संदिग्ध रूप से मौत होने का सिलसिला जारी है, लेकिन ये मौत कैसे हो रही है इसका स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं हो पा रहा। आपको बताते चले, अब मौत को लेकर जितनी मुंह उतनी बात कही जा रही है। रोहतास जिले के कोचस में पिछले सप्ताह 3 भाइयों समेत 4 की मौत के कारणों का स्पष्ट भी नहीं हुआ कि फिर से जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के जयश्री गांव में पिछले 24 घंटे में 4 की मौत सहित 2 लोगों की आंख की रोशनी चले जाने से दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रशासन पुलिस भी इन मौत का कारण स्पष्ट नहीं बता पा रही है, लेकिन कोई इसे शराब पीने की मौत को बात कर रहा है तो कोई इसे संदिग्ध मौत मान रहा है। पिछले सप्ताह 4 मौत में कोचस पुलिस ने 2 शवों का पोस्टमार्टम कराया था, तो वहीं काराकाट थाना पुलिस ने अधिक शवों का पोस्टमार्टम कराने में जुटी है। परिजनों की माने तो पहले लोग शराब पीते थे, उसके बाद स्वास्थ्य बिगड़ने पर इलाज के दौरान मौत की बात दबी जुबान से बता रही हैं। ऐसे में रोहतास जिले के कोचस काराकाट थाना क्षेत्र में हुए मौत में जांच होने के बाद स्पष्ट होगा कि मौत शराब से हुई या किसी अज्ञात बीमारी से। लेकिन फिलहाल हो रही मौत से रोहतास जिला में दहशत का माहौल बना हुआ है। मृतक सेवानिवृत्त श्रवण राम के पुत्र राणा प्रताप ने बताया, जहरीले शराब से उसके पिता की मौत हुई है, उनके गांव में आक्रांत है जिनका इलाज जारी है। उन्होंने पुलिस को आवेदन देकर शराब बेचने वाले पर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा नेता बलिराम मिश्रा ने कहा, रोहतास समेत पूरे बिहार में जहरीले शराब से मौत जारी है। कोचस की मौत या काराकाट रोहतास, प्रशासन पुलिस इसे लीपापोती करने में जुटी है। भाजपा नेता ने कहा, कारकाट के जयश्री में शराब पीने से पिछले दिनों नारायणपुर रहने वाले 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग जयश्री के हैं, वहीं 2 लोगों की आंख की रोशनी हेतु इलाज जारी है, तो अन्य आक्रांत को गंभीर हालत में रेफर किया गया है। काराकाट के चौकीदार रकीब खान ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल सासाराम लाया गया। अब देखना यह होगा इस तरह के मामले में क्या करती है रोहतास पुलिस। रोहतास से कैमरामैन आदित्य राज के साथ रोहित सिंह की रिपोर्ट। मेरे पिताजी परसों शाम को, आज हो गया 20 तारीख ना, 21 तारीख, 19 तारीख को शाम को दारू पिए, जो जहरीली शराब बिहार में बेचा जा रहा है वही सबका सेवन कर लिया, थोड़ा सा आदित है पहले के, और जिसके चलते उनकी तबियत खराब हुई, तो वहाँ लोकल डॉक्टर से इनको दिखाया भी गया। दिखाने के पश्चात इनकी तबियत थोड़ी ठीक हुई, लेकिन हिचकी जरूर आ रही थी। जैसे हमारे परिवारजन बताए, हम बाहर में रहते हैं, तो परिवारजन बताए कि ऐसी ऐसी स्थिति है पापा की। फिर हम इन लोगों को आज कल फिर तबियत ठीक हो गया, लेकिन सुबह में अचानक इनकी तबियत बहुत ज्यादा सीरियस खराब हो गई, जिसके चलते इनको इनका स्वर्गवास हो गया। ये जयश्री गांव में ही मिलता है, जयश्री गांव के लोकल लड़के जो हैं और वहाँ के कुछ छुटबैये नेता जो हैं, वो शराब बेचवाते भी हैं, और मेनली पैसा वाला जो है उन्हीं लोग का हाथ है। इनका क्या नाम है जल्दी तक? जो मृतक है हमारे पिताजी हैं, श्री श्रवण राम नाम है, और ये रिटायर्ड सर्किल इंस्पेक्टर हैं, सर्किल इंस्पेक्टर रिटायर्ड। अच्छा, कितने लोगों के गांव में मौत हुई है अभी तक? सूचना के अनुसार एक काराकाट में एक हमारे गांव के लोग थे, उनका नाम ऐसे तो क्या बोला जाता था उसका, उस अभी एक मृत्यु हो चुकी है हमारे पिताजी, दूसरे की मौत है अभी, एक तीसरे 2 भाई और हैं, इनकी हालत बहुत सीरियस खराब है। मैं उसके लड़के को फोन कर रहा था, हालांकि फोन नहीं उठा पाया, तो उनकी भी हालत सीरियस है, और ऐसा लग रहा है कि वो भी बचेंगे नहीं, और एक आदमी उनके चाचा जो है उनकी आंख की रोशनी चली गई है, एक आदमी की। आप कंप्लेन दिए कि नहीं? कंप्लेन थाना में कंप्लेन दिए हैं, मेरे बड़े वाले भाई वहां पर अभी गए हैं, थाना प्रभारी बुलाए हैं, उसके बाद हम देखते हैं, अगर वहां से अगर कोई हमको FIR की, अगर FIR नहीं किया जा रहा है तो फिर मैं सासाराम कोर्ट में शरण लूंगा। अगर सासाराम कोर्ट भी हमको शरण नहीं देगी, दारू पीने वालों के खिलाफ शरण तो लेना पड़ेगा मुझे कोर्ट का। अगर दाना सासाराम भी नहीं हमको देगा, तो हम पटना जरूर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। उसके बाद भी आपके गांव में मौत हुई थी ना? जी जी। उनका क्या नाम है? उनका जितेंद्र शाह नाम है, जितेंद्र शाह नाम है उनका। वो एक मतलब एक लोगों की मौत हो चुकी थी, एक लोगों की मौत हो चुकी थी, और ये पिताजी मेरे दूसरे हैं। आज लगभग 7:30 बजे हमारी बात हुई थी, उसके बाद फिर 8:30-9 के करीब में हॉस्पिटल लाने के क्रम में, मेरा नाम राणा प्रताप बहादुर है, मौतें हुई है, और 2 लोग IGMS में अभी भर्ती है, अन्य भी डॉक्टर के यहाँ कुछ लोग पता लग रहा है कि आज भी इलाज उनका चल रहा है, जो कि चिंताजनक है। कोचस में भी आज के कुछ दिन पूर्व 3 मौतें हुई थी, जिसमें जिला प्रशासन ने उसको दवा के नाम पर
की मौत हुआ है, ये दुर्भाग्य की बात है। और जिला प्रशासन को दायित्व यह होता है कि समाज के जिला के सबको सुरक्षा और सुरक्षा करें। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच करके और निर्दोष दोषी लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। अभी तो इनका सुने हैं, पहले से बीमार भी रहते थे, उसके बाद में शायद दारू भी दो चार दिन पहले पी लिए हैं। दारू पी लिए थे, बोल रहे थे इनके घर के लोग, इनका दारू पीना आदत था पहले से, और उसके बाद बीमार भी रहते थे। इससे पहले भी मौत हुआ था? पहले एक आदमी का हुआ था, वो भी बीमार रहते थे, उनका भी हार्ट उट का वो भी था। आप कौन सुना से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आकिब खान। दान निर्माण का भरोसा, लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।